हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार हमारे इस हेल्पिंग विल चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप इजीली कैसे एक लैंड लोन ले सकते हैं। सो आप लैंड लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक प्लीज़ बने रहे, आखिर में मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बताऊँगा जो कि लगभग आपको किसी वीडियो पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो को आप प्लीज़ आखिर तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लैंड लोन कैसे ले सकते हैं या फिर प्लॉट ख़रीदने के लिए हम लोन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जिस लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है SBI रियल्टी होम लोन। आप सभी को पता है कि SBI बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड बैंक है, इंडिया का सबसे अच्छा ट्रस्टेड बैंक SBI है। तो यहाँ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लोन अमाउंट, मतलब आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है, इस लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप योग्य हो या नहीं ये कैसे पता करेंगे, फिर इस लोन के फीचर्स क्या क्या है, इसका टेन्योर मतलब कितने दिनों में आपको ये लोन वापस करना पड़ेगा, बैंक को चुकाना पड़ेगा, इस लोन को लेने के लिए आपको कैसे कौन कौन से दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और आखिर में इस लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें आपको कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम आपको 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। तो 15 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो देखिए आप जितने ज़्यादा लोन लेंगे उस हिसाब से आपको अपना इनकम भी बैंक को शो करना पड़ेगा। तो अगर आप एक नॉर्मल सैलरीड हैं, कहीं पे नौकरी करते हैं, तो आपको आराम से 10-15 लाख का लोन मिल सकता है इसमें से। तो देखिए इस लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। ये लोन सैलरीड को भी मिल सकता है, जैसे कि आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, आपकी एक रेगुलर इनकम है महीने में 40-50 हज़ार 60 हज़ार या फिर कुछ भी सैलरी आपको मिल रहा है तो आपको ये लोन ईजीली मिल सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मान लीजिए आपकी कोई एक दुकान है या फिर आपकी खुद की कुछ एक छोटा बड़ा बिजनेस है, तो इसमें भी ये वाला लोन आपको इजीली मिल सकता है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अगर आप अपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मान लीजिए आपने एक भाड़े पे किराए पे एक दुकान लिया है, वहाँ पे आप अपना बिजनेस शुरू किए हो, अब ये बिजनेस आप खुद की एक दुकान बना के आप इसको ग्रो करना चाहते हो, तो आप बैंक में जाके बोल सकते हो कि भैया देखो ये मेरा दुकान है, मुझे इसको अपनी जगह पे करना है, मैं यहाँ पे एक ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ, ज़मीन ख़रीद के मैं अपना दुकान बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे करके भी आप ये वाला लोन ले सकते हो। अगर सैलरीड के बारे में जैसे मैंने बोला, सैलरीड जैसे कि आप अपने घर बनाना चाहते हो या फिर अपने नाम पर कोई एक प्लॉट ख़रीदना चाहते हो, तो आप अपने सैलरी का प्रूफ दे के भी बैंक से ये वाला लोन ले सकते हो। तो उसका दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया आपका एज। आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होना चाहिए। अगर आपका एज 18 से कम है या फिर 65 से ज़्यादा है तो ये लोन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। फिर आगे आपका रेजिडेंस, आपका एक इंडियन सिटीजन होना या फिर भारतीय नागरिक होना इस लोन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हो तो इस लोन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो आप देखते हैं इस लोन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो देखिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि डिफेंस पीपल के अंदर आते हो, या फिर जैसे कि आप मान लीजिए एक आर्मी ऑफिसर हो या फिर एयरफोर्स ऑफिसर हो, नेवी ऑफिसर हो, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए आप सर्व कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं इस लोन के में। इस तरह के एग्जेम्पशंस आपको मिल सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपका EMI का इंटरेस्ट रेट का घट जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा कम लगेगा, आपका प्रोसेसिंग फीस बहुत कम लगता है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जेम्पशंस होते हैं।
आर्मी लोगों के लिए। फिर इस लोन के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। मान लीजिए जैसे कि आप नॉर्मल एक होम लोन ले रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आपका 7 से 8% होता है, तो इसका उससे थोड़ा कम रहता है। यहाँ पे SBI बैंक ये दावा करती है कि इस लोन के चलते ये कुछ हिडन चार्जेस नहीं लेते हैं। हिडन चार्जेस मतलब अपना स्टेट ड्यूटी होता है वो वगैरह सब हिडन चार्जेस होते हैं, यहाँ पे वो वगैरह सब हिडन चार्जेस SBI बैंक इस लोन के तहत नहीं लेती है। उसके बाद नो प्री पेमेंट पेनाल्टी, इसका मतलब हो गया मान लीजिए आपने 10 साल के लिए एक लोन लिया, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए बैंक से लिया और आपका EMI 10 साल तक है, फिर आप बोलेंगे कि नहीं भैया 10 लाख में नहीं, मैं इसका EMI 2 साल में ही चुकता कर दूंगा, तो वहाँ पे कुछ पेनल्टी लगता है, तो ये वाला पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगता है। अब ये वाला SBI बैंक क्यों किया, इसका मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आज मुझे एक ज़मीन मिल गया जिसका कॉस्ट हो गया 15 लाख, ठीक है, तो मैंने क्या किया, बैंक से 15 लाख रुपये ले आया और ये ज़मीन खरीद लिया, तो ये 15 लाख रुपये मुझे 10 साल में चुकता करना है बैंक को, तो अभी 3 साल के बाद ये ज़मीन का रेट हो गया मान लीजिए, जैसे ज़मीन का रेट बहुत बढ़ता रहता है, 22 साल, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3 साल के बाद बैंक को 15 लाख और उसका इंटरेस्ट कुछ 16 लाख के आसपास हो, जितना भी हो गया चलो हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 16 लाख, 16 लाख बैंक को लौटा दिया, तो 15 लाख का लोन लाया था, 16 लाख लौटा दिया। अब ये जो मैंने ज़मीन बेचा इसको 22 लाख में बेचा, तो मुझे इसका प्रॉफिट हो गया कितना, आपका 6 लाख रुपए मुझे इसका प्रॉफिट मिल गया। तो पहले जब ये लोन ऐसे आया था तो लोग इस तरह से लोन लेके प्रॉपर्टी खरीद के उसको बेच के पैसा कमा देते, तो इसीलिए अभी ये वाला बैंक बंद कर दिया है कि आपको ये वाला लोन जो आप लेंगे इसको आप 10 साल में ही दे सकते हैं। पर ये जो SBI का रियल्टी होम लोन है, इसमें आप अगर पहले से भी पेमेंट कर देते हैं तो उसको आप पेनल्टी नहीं लगाएगा बैंक। तो देखिए फिर आ गया आपका लोन पीरियड, तो इसका ये एक टर्म लोन है, ठीक है, इसका आप 10 साल तक में इसका आप रीपेमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 70 साल है, तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एज लिमिट तो 18 से 65 साल था, अभी 70 साल आ गया कैसे। मान लीजिए एक इंसान है जिसकी एज है 65 साल, ठीक है, अब वो 65 साल में वो इंसान एक लोन लेता है, तो इसका क्या है, 10 साल के अंदर आप लोन चुकता कर सकते हैं, तो 65 + 10 कितना हो गया, 75 हो गया। तो अगर किसी इंसान के का एज 60 से ज़्यादा है या फिर 65 है, मान लीजिए 65 है, तो इस दौरान उनको 5 साल के अंदर ही अपना लोन चुकता करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोन चुकता करने का एज जो है वो 70 साल है, मैक्सिमम एज जहाँ पे आप लोन लेंगे वो वाला 65 साल है। उसके बाद आ गया कोबरोअर्स। कोबरोअर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 20 लाख का लोन चाहिए, तो अब 20 लाख का लोन बैंक मुझे ऐसे तो नहीं दे देगी, वो मेरा कुछ देखेगी कि इस बंदे का इनकम क्या है वगैरह, सिविल स्कोर वगैरह वगैरह सब देखेगी, तो उस हिसाब से बैंक कैलकुलेट करती है। मान लीजिए मुझे SBI बैंक 12 लाख का लोन दे सकती है और मुझे चाहिए कितना, 20 लाख का, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कुछ रिलेटिव्स, भाई बहन वाइफ इन सबको मिला के कुछ और ज़्यादा लोन ले सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। मान लीजिए मैं एक ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, ज़मीन खरीद के घर बनाना चाहता हूँ, मेरे नाम पे 12 लाख का लोन मुझे मिल सकता है पर मुझे चाहिए 20 लाख रुपए, तो मैं क्या करूँगा, अपने वाइफ को इंक्लूड कर लूँगा अगर उसकी कोई इनकम हो, या फिर अपने किसी रिश्तेदार को इंक्लूड कर दूँगा और दोनों के नाम पे ये बढ़ के हो जाएगा 20 लाख। तो इस तरह से ये इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है। फिर आते हैं इसके प्रोसेसिंग के बारे में, तो SBI रियल्टी होम लोन में आपको 0.4% का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, उसके ऊपर आपको GST लगता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं, तो 10,000 का 0.4% आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको GST भी देना पड़ेगा। फिर आ गया आखिर में कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि आपको पता है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, आप SBI का पॉलिसी थोड़ा चेंज हो गया है, तो यहाँ पे आप सिर्फ अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं
तो यहाँ पे SBI से लोन लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पर अगर आप SBI को ये वाला प्रपोजल देते हैं कि भाई मुझे ज़मीन ख़रीदना है और ज़मीन ख़रीदने के बाद इस ज़मीन पे मुझे घर भी बनाना है, तो इस कंडीशन में आपको लोन ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए ये कंडीशन क्यों है, मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं क्या करूँगा, एक ज़मीन ख़रीदूँगा SBI बैंक से लोन लेके, और 2 साल के बाद इस ज़मीन को बेच दूंगा और मेरा पूरा EMI बैंक को चुकता कर दूंगा, जितना मुझे प्रॉफिट है वो मैं अपने पास रख लूँगा। तो ऐसे में क्या होता था, SBI बैंक का जो लोन टेन्योर है वो बहुत घट जाता था, इसलिए बैंक को लॉस होने लगा। तो जैसे ही RBI बैंक को इसके बारे में पता चला तो ये वाला नया रूल अभी लाया गया है। तो अगर आप एक ज़मीन का लोन लेना चाहते हैं तो बैंक को ये मत बोलिए कि भैया मुझे सिर्फ ज़मीन ख़रीदना है, बल्कि अब उसको ये बोलिए कि ज़मीन ख़रीदना है और घर बनाना है, ऐसे बोल के आप बैंक से आराम से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा और इसके लिए एक नया वीडियो ला दूंगा। अब आ गया आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस लोन के अप्लाई करने के लिए 2 मेथड होता है, एक है ऑनलाइन मेथड, एक ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड के लिए आपको खुद बैंक को जाके वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन मेथड के लिए आप SBI के साइट जा सकते हो, वहाँ पे लोन सर्च कर सकते हो। अब SBI रियल्टी होम आप वहाँ पे सर्च कीजिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में, और वहाँ पे आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर इसके बारे में आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हो कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार।